अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, अब हम डालने लगे हैं ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। अब हम डालेंगे इसमें प्याज, प्याज सही ब्राउन होने तक हम थोड़ा वेट करेंगे। प्याज सही ब्राउन हो जाए उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये इस तरह से पक जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर देंगे ताकि ये गल जाए सी। उसके बाद इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। अब हम डालने लगे हैं मसाले। नमक सबसे पहले ऐड किया है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, धनिया और जीरा, जीरे का पाउडर है वो एक टी स्पून ऐड करेंगे। इससे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि ये मसाले सारे से अच्छे से पक जाएं। अभी देखिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। जब इस मसाले के ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाए उस टाइम समझते हैं कि मसाला तैयार हो जाता है। अभी ये तैयार हो जाए उसका है, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कोफ्ते। कोफ्ते ऐड करूँगी। मैं अच्छे से मैं फ्राई करूँगी इस मसाले के अंदर। मैंने इन्हें सही फ्राई किया है ताकि अच्छे से मसाला इनके अंदर चला जाए। मैंने ये बाजार के कोफ्ते लिए हैं, अगर आप चाहें तो घर पे भी। मैंने ये बाजार के कोफ्ते लिए हैं तो किसी दिन मैं घर के मैं कोफ्ते बनाकर मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम था इसलिए मैंने बाज़ार से लाकर ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी दही, ये घर का बना दही है। अब हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी। ये घर की बनाई हुई है मेथी, तैयार की हुई है। धनिया ऐड करेंगे इसमें। यह हमारी फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।